फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। और अभी बज रहे हैं फ्रेंड शाम के साथ और मैं अपना ब्लॉग का इंट्रो दे रही हूँ, और क्योंकि उससे पहले धूप इतना रहता है कि मैं छत पे आ नहीं पाती हूँ। ऊपर से भी गर्मी, नीचे से भी गर्मी। तो फ्रेंड आज है डे फ्रेंड मंगलवार और मेरा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी फ्रेंड हेयर केयर रूटीन, जो कि मैं पिछले 5 जून से ट्राई कर रही हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। क्या है कि फ्रेंड 5 जून को मेरे रिलेशन में एक शादी थी, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो ऐसा हुआ कि मैंने स्टेप में हेयर कट करवा लिया, और स्टेप में हेयर कट करवाने के बाद तो मानिए कि मेरे बाल बिल्कुल ख़त्म ही हो गए, और छोटा सा बता। और आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा हेयर कट यहाँ तक हुआ है। 3 स्टेप में हेयर कट मैंने करवाया हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने शादी को एंजॉय करने के लिए कटवा तो लिया हेयर कट, फिर बाद में मेरे बाल बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मेरे बाल जल्दी से बड़े हो जाएं। तो अभी हम लोगों को घर में रहना होता है तो सर में पल्लू रखते हैं, तो इधर पीछे जुड़ा रहता है तो इधर पल्लू भी रुका रहता है फिर। तो मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो फिर मैं यूट्यूब पे खोजने लगी कि मैं क्या करूँ कि मेरे बाल फिर से जल्दी से पहले जैसे हो जाएं और बड़े हो जाएं। तो मुझे वही ट्राई करना शुरू कर दिया। तो अभी मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, 1 साल का टाइम तो लगा फ्रेंड। तो अभी देखिए मेरे बाल अच्छे हो गए हैं और लॉन्ग भी हो गए हैं, और अभी ग्रोथ हो ही रही है क्योंकि ये सब बाल भी मेरे काफ़ी खाली हो चुके थे। तो ये जो छोटे छोटे देखिए निकले हैं, और काफ़ी अच्छा हेयर ग्रोथ हुआ है। तो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो मैंने कैसे अपने हेयर को ग्रोथ किया है, और अभी भी कर ही रही हूँ, और क्या मैं लगा रही हूँ, तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिर। तो आप लोग देखिएगा मेरे ब्लॉग में, और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। और रोज़ इन लोगों को आइसक्रीम चाहिए, रोज़ शाम के टाइम भी आ जाता है आइसक्रीम वाला, सवेरे के टाइम भी आ जाता है, तो दोनों टाइम लोगों को चाहिए। तो सुबह के टाइम नहीं देती हूँ, शाम के टाइम तो इन लोगों को डेली चाहिए आइसक्रीम। और इस समय स्कूल वगैरह बंद है तो ये लोग घर में रहती हैं तो बहुत परेशान करती हैं, और सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, सिंपी करती हैं सबसे ज़्यादा परेशान। सिंपी नमस्ते करो दोनों लोग, हाथ में और यहाँ पर देखिए फ्रेंड यही है बचपन, और बच्चे अपने बचपन को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए दोनों बहनों की लड़ाई आइसक्रीम के लिए। और स्वीटी हमारी है तो उसको चाहिए 10 रुपये वाला चोकोबार, और सिंपी तो 5 रुपये वाले मैंगो शेक में ही खुश हो जाती है, मैंगो वाली आइसक्रीम सिंपी को चाहिए। तो स्वीटी का आइसक्रीम जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो अभी देखिए उसके आइसक्रीम के लिए झगड़ा कर रही हैं। तो यही है फ्रेंड बच्चों का बचपना, और हम भी देखते हैं तो हमें भी अपना बचपना याद आता है कि हम भी कभी ऐसे ही आइसक्रीम के लिए झगड़ा करते थे। तो सिंपी को देखिए हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, और दोनों लोग आइसक्रीम खा रही हैं और इंजॉय कर रही हैं, और मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ दोनों का ब्लॉग शूट कर रही हूँ फ्रेंड। तो यही है फ्रेंड हम लोगों का ब्लॉग, और आगे देखिए फ्रेंड। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी होम रेमेडी, जो कि मैं फॉलो करती हूँ,
और यहाँ पर मैंने लिया है, अभी ये बालों के लिए है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने 4-5 घंटे पहले ये मेथी दाना पानी में अच्छी तरह भिगो दिया था और भिगोई थी फ्रेंड। तो इसमें मैं आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मेथी दाना जो भिगो रहे हैं तो जितना हमारा मेथी दाना है उतना ही हमें पानी भी लेना है। और हम लोगों को प्याज है जो प्याज छोटा छोटा लेना है और छोटे छोटे प्याज को अच्छी तरह छील के धो के अब हम इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे फ्रेंड। और मेथी दाना को भी साथ में ही पीसेंगे। और अभी हमारा मेथी दाना अच्छे से मतलब फूल चुका है, तो अभी देखिए मैंने अच्छा सा बटर तैयार कर लिया है प्याज का और मेथी दाना का। तो मैं कोशिश कर रही थी छानने का, तो मगर ये इतना थिंक था कि मतलब छन्नी से नहीं निकल पाता, तो फिर मैं उसको वैसे ही अप्लाई कर रही हूँ। और इधर देखिए हाँ, आज मैंने बाल को धोया भी था, तो अब मैं जो हमारा बटर है जो हमने तैयार किया है अपनी रेमेडी को, तो उसको अब मैं अपने बालों में धीरे धीरे अप्लाई करूँगी। और आप फ्रेंड यकीन मानिए मैं 1 साल से इस रेमेडी को ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा हेयर ग्रोथ हुआ है। और ये प्याज का जो रस होता है वो हमारे बालों में जड़ों तक जाता है और जड़ों से जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उनका बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होता है। और हमारा जो मतलब जो हमारे सर की त्वचा है उसको भी काफ़ी अच्छी फ्रीजिंग करता है और काफ़ी अच्छी मतलब ठंडा और आराम मिलता है। और आज गर्मी से मेरे सर में काफ़ी मतलब भारीपन भी था और दर्द भी हो रहा था, तो मैं कहीं आज मैं इस रेमेडी को लगाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। वैसे मैं हफ्ते में 2 या 3 बार लगाना चाहिए, मगर मैं हफ्ते में 2 या 3 बार नहीं लगा पाती हूँ फ्रेंड, करीबन 15 या 20 दिन पर ही लगा पाती हूँ, क्योंकि टाइम समय आप लोगों को तो पता है कि हमारे लिए सबके लिए हम लोगों के पास टाइम होता है और हमारा अपने लिए खुद के लिए खुद का केयर करने के लिए टाइम और समय नहीं मिल पाता है। तो यही होता है फ्रेंड हम लेडीज़ लोगों के साथ कि हम सभी लोगों का फैमिली में सभी लोगों का अच्छे से केयर कर लेते हैं और खुद का केयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए टाइम से पहले हमारे बाल वाइट हो जाते हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है, मोटापा बढ़ जाता है और फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगर हम लोग अपना अच्छे से केयर करें तो ऐसा नहीं हो फ्रेंड। तो अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने जो रेमेडी थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ था तो उसको मैंने आगे अपने बाल पे अच्छे से लगाई हूँ। और अच्छे से लगाने के बाद मुझे बहुत आराम और रिलैक्स मिला है। और फिर उसको मैंने 2 या 3 घंटे अपने बालों में लगे रहने दी, क्योंकि मैं रात में लगाई थी 9 बजे से पहले थोड़ा सा लगा ली थी, क्योंकि 15 या 20 मिनट पहले लग जाता है अपने बालों में लगाने से, पहले जड़ों में लगाते हैं फिर धीरे धीरे जो बालों की लेंथ है उस पे भी लगाते हैं, क्योंकि बालों के लेंथ पे जो हमारा मेथी दाना है फ्रेंड वो बहुत ही अच्छा और सिल्की बनाता है हमारे बालों को। थिंक और सिल्की, देखिए कितने अच्छे और फ्रेश और मेरे बाल आप लोग देख सकते हैं इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद। और बिना शैम्पू और कंडीशनर के देखिए मेरे बाल कितने अच्छे और चमकदार हो गए हैं। और जो हमारा और अभी फ्रेंड 9 बजे से 11 बजे तक मैं अपने बालों में लगे रहने दी और फिर उसके बाद ओवरनाइट तक इसको छोड़ना है फ्रेंड, तो काफ़ी अच्छा होगा मगर ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ओवरनाइट लगाकर सोएंगे तो नींद ही नहीं आएगी क्योंकि बालों में इतना लगा रहेगा। तो फिर मैं कही कि मैं धो के ही सोऊंगी, तो फिर 11 या 11:30 बजे का टाइम है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम लगता है इसको बालों
बालों से निकालने में भी तो इजीली निकल जाता है फ्रेंड बालों से जल्दी से। और देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई शैम्पू नहीं किया है और कोई कंडीशनर नहीं किया है और मेरे बाल देखिए आप लोगों के सामने हैं पूरा रिजल्ट फ्रेंड। तो आप लोग भी इस रेमेडी को फ्रेंड ट्राई कर सकते हैं। प्याज के रस से होता है फ्रेंड कि उसमें तो फ्रेंड यही था मेरी आज की रेमेडी हेयर केयर के लिए। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।